खबर साहिबगंज से है। उपायुक्त रामनिवास यादव ने जिले में बाढ़ के मद्देनजर अभी तक हुए कार्य एवं बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचाए गए राहत कार्यों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। उन्होंने मीडिया कर्मियों को बताया कि जिले में आई बाढ़ के कारण कुल 27,628 लोग प्रभावित हुए हैं, जिसमें 119 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए। वहीं साहिबगंज एवं राजमहल नगर परिषद मिलाकर कुल 20 वार्ड बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। इस दौरान उपायुक्त ने बताया कि जिले में प्रभावित परिवारों तक पहुंचकर जिला प्रशासन की ओर से उन्हें आवश्यक राहत सामग्री पहुंचाने का कार्य जारी है, जिसे अभी तक 35,000 परिवारों तक राहत सामग्री वितरित की जा चुकी है। श्री यादव ने कहा कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में दूध की मांग को देखते हुए 1,000 सुधा दूध के पैकेट का वितरण किया। और प्रेस वार्ता के दौरान उपायुक्त श्री यादव ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ प्रभावित इलाकों में पशुओं की सुरक्षा हेतु पशु राहत शिविर बनाए गए हैं, साथ ही दियारा क्षेत्रों में पशु चारा एवं दवा वितरित की गई है। जो कि 2,70,628 जो कि प्रोजेक्टेड जो पॉपुलेशन है हम लोग की, क्योंकि अभी जो हम लोग का डाटा है 2011 का है, और ये क्योंकि रियल डाटा है इसलिए इसको प्रोजेक्ट करते हैं जब, तो ये 18%। साथ ही साथ हम लोग की टोटल 162 पंचायतें हैं, जिसमें से 16 पंचायत पूर्ण रूप से अफेक्टेड हुई और 33 पंचायतें पार्शियल अफेक्टेड हुई। पार्शियल का बता देते हैं, जैसे कि किसी पंचायत में 5,000 घर हैं, तो पार्शियल का मतलब कहीं 1,500, कहीं हो सकता है 3,000 घर जो है प्रभावित हुए हैं या पॉपुलेशन प्रभावित हुई है, उसको पार्शियल कहते हैं। साथ ही साथ जो हम लोग का 2 अर्बन टाउन पड़ता है साहिबगंज और राजमहल, उसमें भी टोटल दोनों का मिला के 56 वार्ड है, जिसमें से 20 वार्ड प्रभावित हुए, जिसमें साहिबगंज के 14 और राजमहल के 6 वार्ड उस बाढ़ से प्रभावित। जिला में टोटल गांव 1771 हैं, जिसमें चिरागी और बेचिरागी दोनों शामिल हैं। उसमें उस दिन 19 अगस्त को 146 गांव प्रभावित हुए। अगर हम परिवारों की बात करें तो जिला में टोटल 2,27,023 परिवार हैं, जिसमें से 53,609 परिवार उसमें अफेक्टेड हुए हैं। कुछ आंशिक हुए हैं तो कुछ बहुत ज़्यादा हुए, जैसा कि आप लोगों ने देखा बहुत सारे परिवार पलायन भी किए हैं, दियारा से उनका पूरा घर ही डूब गया, पलायन किए हैं। परंतु उसमें ऐसे इसमें जो अफेक्टेड थे वो परिवार थे जहाँ पर 1 फीट या आधा फीट पानी भी आया, तो सब लोग बराबर नहीं है, सबको इक्वल ट्रीट भी नहीं कर सकते हैं। जिसके घर में 1 फीट पानी आया है और जिसके घर में 25 फीट पानी आ गया है, जैसे लास्ट डिफरेंस बिटवीन बोथ द सिचुएशंस, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने सभी सुविधाएं, राशन हो गया या किसी अन्य चीज़ों का जो सुविधाओं का जो वितरण है वो उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने किया। अगर वितरण की हम लोग बात करें रिलीफ कैंप्स, वैसे तो हम लोगों ने ब्लॉकवार टोटल 74 कैंप्स बनाए थे, परंतु एक्टिव जो रहे हैं वो मैक्सिमम 11 कैंप्स रहे थे, 10 अभी भी एक्टिव हैं, जिसमें हम लोगों ने सारी सुविधाएं दी थी कि खाना आपको फ्री मिलेगा, लोग वहां रह सकते हैं, अपना जो भी सामान वो लेकर आए थे उसका सिक्योरिटी, क्योंकि उनका पूरा घर डूब गया तो अपना सामान जो भी उनका डोमेस्टिक जो सामान रहता वो सब लेके वो लोग वहाँ से आए थे। साथ ही साथ पशुओं के लिए भी हम लोगों ने लगभग 8-9 कैंप लगाए हैं, जहाँ पर चारा अवेलेबिलिटी के हिसाब से जितना आवश्यकता था हम लोग अभी भी कंटिन्यू दे रहे हैं, और उस समय भी 19 को भी हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया। अभी अमाउंट भी हम आपको बता देंगे। पहले राशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन अब तक जो हुआ है वो कल 1 क्विंटल राइस दिया गया है अब तक, और 685 क्विंटल दाल हम लोगों ने अभी तक वितरित की है। चूड़ा लगभग 1900 क्विंटल चूड़ा हम लोग अब तक बांट चुके हैं। सत्तू 159 क्विंटल, गुड़ और चीनी दोनों 129 क्विंटल, गुड़ 190 क्विंटल, चीनी 113 क्विंटल, साल्ट का जो पैकेट है वो लगभग 20,534 पैकेट, जो 1 किलो का पैकेट आता है, नमक लगभग 26,000 20,534 पैकेट,
कैंडल, मैच बॉक्स, ये सभी भी हम लोगों ने, जैसे कैंडल देखेंगे 26,934, प्लास्टिक तिरपाल जो बहुत मांग रहती है वो लगभग 8,000 तिरपाल का जो पैकेट है एक एक करके, उसका लेंथ ब्रेथ फिक्स है, 8,000 हम लोगों ने तिरपाल दिए हैं। प्लास्टिक सीट आता है ब्लैक वाला, वो 484 वो सीट भी है। कुछ जगह पे कैरी बैग की भी डिमांड थी, हम लोगों ने 422 कैरी बैग्स भी दिए हैं। जो बोट्स हायर थी लगभग हम लोगों ने जब मैक्सिमम पीक गया तो 104 के आसपास बोट्स हायर की थी। धीरे धीरे जहाँ जहाँ से पानी रिसीव करा, जहाँ आवश्यकता नहीं वहाँ से हम लोग अब बोट्स को रिलीज भी कर रहे हैं। तो आज की तिथि में अगर देखते हैं तो 58 बोट्स अभी भी हम लोगों ने हायर की हुई है, जिनके आवश्यकता अनुसार हम लोग यूज कर रहे हैं। अब अगर बात करते हैं दूध और जो वितरण की, तो हम लोगों ने अभी तक लगभग 240 क्विंटल चारा पशुओं के लिए हम लोग वितरित कर चुके हैं और वो अभी भी चल रहा है। क्योंकि आप देखिए कि शुरू शुरू में जब बाढ़ अपना पीक पकड़ रही थी तब तक तो लोग जहाँ कहीं से भी अपना व्यवस्था चारा का कर रहे थे, जो अंतिम उनके पास बचा हुआ था तो उसी से वो लोग दे रहे थे, परंतु धीरे धीरे जो है उनका जो स्टॉक था वो खत्म हो रहा था। अभी उन लोग का स्टॉक आने में टाइम लगेगा, इसलिए हम लोग अभी भी कंटिन्यूसली चारा हम लोग वितरित कर रहे हैं। लगभग जो हम लोग का प्लान है उसके अकॉर्डिंग 500 से 550 क्विंटल तक टोटल हम लोग चारा वितरित करेंगे। जो हम लोग 3-4 वेंडर्स से बोले हुए वो आ रहा है, हम लोग बाहर से भी मंगा रहे हैं, जिससे कि क्या होगा अगर हम जिले से लेके ही अगर चारा वितरित करते हैं तो उससे चारा का जो दर है वो बढ़ सकता है। इसलिए हम बाहर जिले से भी चारा मंगा रहे हैं, जिससे कि यहाँ पर जो कीमतें हैं उनमें वृद्धि नहीं हो, क्योंकि डिमांड से वृद्धि होता है, सुंदर डिमांड से वृद्धि होता है, इसलिए हम लोग बाहर से भी मंगा रहे हैं जिससे कि हम उसको कंपेंसेट कर सके। लगभग 500 से ऊपर क्विंटल हम लोग टोटल वितरित करेंगे, अभी तक 240 वितरित किया जा चुका है। लिक्विड जो मिल्क हम लोगों ने दिया, जो कुछ जगह से डिमांड आया था, लगभग 1000 पैकेट 1 लीटर का हम लोगों ने मंगाया था, वो हमने वितरित किया। बाद में हम लोगों ने, क्योंकि 0 से 2 साल के जो छोटे बच्चे हैं, बाढ़ के समय में सारी चीज़ें हैं, आप भी समझ रहे हैं कि बच्चे को न्यूट्रिएंट फूड की आवश्यकता होती है। जब बाढ़ नहीं रहता था तो आप खिला सकते हैं, और जो माताएं हैं वो भी अपने खा के अच्छा मिल्क प्रोडक्ट हो सकता है, मतलब दे सकते हैं। परंतु इन्फेंट के लिए स्पेसिफिकली हम लोगों ने ये सर्वे कराया था 0 से 2, तो लगभग 16,617 बच्चे उसमें आए हैं। वो सभी को 200 ग्राम का एक अमूल का पैकेट आता है जो स्पेसिफिकली इन्फेंट के लिए, वो हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। आज वो सभी ब्लॉक्स में चला गया, आज शाम तक उसका डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। जो हम लोग, क्योंकि ये सब डाटा जो है आंगनबाड़ी जो हमारी सेविका और सहायिका है उनके पास सारा डाटा रहता है, उनके थ्रू हम लोग ये डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हैं। कुछ जगह से क्योंकि पानी का भी डिमांड, ड्रिंकिंग वाटर का भी आया था, हम लोगों ने लगभग 30,000 पैकेट पिछले 3 दिन से लगातार 10-10,000 करके मंगा रहे हैं, वो भी शहरी क्षेत्र में, कुछ जगह पे दियारा क्षेत्र में भी हम लोग भिजवा रहे हैं, जिससे कि जो डिजीज स्पेसिफिक बाढ़ के आफ्टर पोस्ट बाढ़ जो आएगी या पोस्ट फ्लड जो आएगी उससे हम लोग निजात पा सकें। मेडिकल अगर कैंप की बातें करें तो मेडिकल लगभग 24 मेडिकल कैंप्स हम लोगों ने, स्टेशनरी कैंप्स हम लोगों ने बनाए, जिसमें 24 टीम डॉक्टर, ANM और जो पैरामेडिक्स हैं वो सब हम लोगों ने डेवलप कर रखे हैं, अभी भी वो लोग चल रहा है। एक बोट एम्बुलेंस का भी हम लोगों ने, क्योंकि दियारा क्षेत्र में जो लोग बह गए हैं वो लोग कैंप में नहीं आना चाह रहे, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं उनके करीब जाकर, उनके गांव घर में जाकर वहीं पे लोगों को चेक किया जाए, जिससे कि आने वाले समय जब पोस्ट फ्लड का जब टाइम आएगा तब कोई डिजीज नहीं फैले। तो लगभग उसमें जो बोट एम्बुलेंस और टीम्स के द्वारा जिला में 30,000 से ऊपर लोगों को चेक किया गया, चेकअप किया गया है, चेकअप प्राइमरी चेकअप जिसको हम कहते हैं वो किया गया है, और उसमें लगभग 900 आदमी और 519 महिलाएं, इनको फ्री दवा भी दी गई, जिसमें एंटी डायरल टेबलेट्स हो सकती हैं, आपका एंटीबायोटिक हो सकती है, फीवर का भी कुछ जगह पे आया था मोल वगैरह वो डिस्ट्रीब्यूट इसमें कराएंगे। साथ ही साथ लाइट का इशू आया, थोड़ा सा प्रशासन से देरी हुई, लेकिन हम लोगों ने लगभग 500 लाइट अभी मंगा लिए हैं जो डिस्ट्रीब्यूट आज हो रही हैं, स्पेसिफिकली उस एरिया में जहाँ पे लाइट आने में भी देरी है, लगभग हो सकता है 10 दिन लगे 15 दिन लगे, क्योंकि लाइन जैसा कि डिमांड रहता है कि हम लोग का ट्रांसफॉर्मर अब पानी से निकल गया है लाइन छुड़वा दीजिए, ऐसा नहीं होता है। उसमें टेक्निकली हर आदमी को समझना चाहिए, हम आपको मीडिया के माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं कि पूरी लाइन को चेक करना,
पानी जब आया तब कितना क्या शॉर्ट हुआ क्या नहीं हुआ, उसमें कितनी नमी है ट्रांसफॉर्मर में, उसके डिस्ट्रीब्यूशन में कितनी नमी है, उसके हिसाब से उसको जांच करके टेक्निकली उसके बाद उसमें लाइन छोड़ा जाता है। कहीं ऐसा नहीं हो कि हम लोग बिना चेक किए लाइन छोड़ दें और ट्रांसफॉर्मर हम लोग का डैमेज हो जाए या लाइन डैमेज हो जाए, उससे हम लोग को फिर आने वाले समय में ज़्यादा दिन लग सकता है। उससे बेटर है कि हम पहले टेक्निकली अपनी लाइन को चेक कर लें और उसके बाद ही उसमें लाइन छोड़े, तो वो भी हम लोग का पूरा टीम है लगा हुआ है। परंतु कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर लाइट आने में भी काफ़ी टाइम लगता है, स्पेसिफिकली दियारा क्षेत्र जो है, कारगिल दियारा कह दीजिए, चाहे रामपुर टोपरा कह दीजिए, गोपालपुर गदई दियारा, जहाँ पर पानी लगभग 25 से 30 फुट पानी आया है, उस एरिया में तो अभी बिजली आने में बहुत समय लगेगा। तो हम लोग ये सोलर लाइट है, एटलीस्ट कुछ रिलीफ लोगों को अपने घर में मिलेगा, क्योंकि हर जगह से शिकायत आती है सांप बिच्छू सब उनके जो टपरा का जो घर है कच्चा जो घर है उसमें घुसने का चांसेस है, तो वो थोड़ा बहुत रिलीफ उनको मिले, हालांकि पूर्ण रिलीफ तो नहीं मिलेगा बट कुछ रिलीफ उस लाइट से उनको मिल सके। इसके अलावा हम लोगों ने मानव का तो बता दिया मैंने, कितने शिविर हम लोगों ने बनाए हैं, 10 एक्टिव है जिसमें हम लोग खाना वाना फ्री दे रहे हैं। पशु राहत जो बनाए हैं वहाँ पर भी हम लोग चारा पानी और जो भी व्यवस्थाएं वो फ्री दे रहे हैं। साथ ही साथ जो पशु कैंप बनाए हैं वहाँ पर वेटनरी डॉक्टर आप देखिए कंटिन्यूसली दवा का वितरण भी कर रहे हैं पशु के लिए, क्योंकि पशु जब 24 घंटे पानी या कीचड़ में रहता है तो उनके खुर का एक रोग है, ये गले में जब आप सूखा चारा ही चारा खिला रहे हो तो गले में भी कुछ गड़ने से या गले में भी प्रॉब्लम पशु को होता है। हम स्वयं कृषक रहे हैं, अपने से पशुओं को बहुत बार हम लोग देखे हैं, तो उसको देखते हुए हमने पशु चिकित्सक को बोला कि कंटिन्यूसली जानवरों को चेक करते रहेंगे, कहीं कोई डिजीज फैलने का कोई चांस हम लोग नहीं ले सकते, तो वो भी हम लोग कंटिन्यूसली दिला रहे हैं। जो चारा लेकर दियारा में हमारा आदमी जाता है हमारा, वो भी कंटिन्यूसली हम दे रहे हैं। साथ ही साथ कुछ क्षेत्रों से जैसे अर्बन क्षेत्रों से पानी जो रिसीव कर रहा है, पानी धीरे धीरे नीचे जा रहा है, तो पानी में अब स्मेल आना शुरू होगा और पोस्ट फ्लड की जो दिक्कतें हैं सबसे पहले अर्बन से ही शुरू होंगी। तो हम लोगों ने ब्लीचिंग पाउडर लार्ज स्केल पे ऑलरेडी हम लोगों ने डिमांड भेज दिया था, वो हमको रिसीव भी हो गया है और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव हमने आज से ही चालू भी कर दिया। उसके अलावा जहाँ जहाँ लाइट आती जाएगी हम लोग अन्य जो चीज़ें हैं सफाई करवाना हो गया, जहाँ घास जम गया हो किसी के घर या रोड के ऊपर हम लोग उसको हटाने का भी काम करेंगे, जिससे कि किसी भी प्रकार का कोई डिजीज महामारी या अन्य प्रकार की दिक्कतें किसी भी नागरिक को ना हो। अभी तक जो डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने राशन का किया है वो लगभग 35,000 परिवारों को, चाहे तो चावल हो चाहे गुड़ जो चूड़ा हम लोग दे रहे हैं वो हो, जो दियारा क्षेत्र है जहां अभी भी खाना बनाने की व्यवस्था नहीं हो रही है वहां हम लोग फिर से रिपीट करेंगे, गुड़ चूड़ा हम लोग फिर से भेजेंगे, जैसे कि कल रामपुर दियारा में हमने कल फिर से भेजा था, पहले हम दे चुके हैं फिर से दे रहे हैं। साथ ही साथ जहां जहां पर फिर रिपीट किया जा सकता है